एक तरफ जहां मुंबई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक जारी है, वहीं दूसरी ओर सियासत तेज है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया, जहां इंडिया के सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खदेड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मुंबई में सिर्फ दल मिल रहे हैं, दिल नहीं। और अब जो अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और ये इतनी बड़ी ताकत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। द कंट्री इज इन ग्रेट ट्रबल, कंट्री इज इन मल्टीपल क्राइसिस एंड कंट्री हैज टू बी लिबरेटेड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ बीजेपी आरएसएस कंबाइंड। एकदम साफ है, जो सांप्रदायिक शक्तियां जो देश में दंगाई दंगा फसाद कराने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, देश के संविधान पे जो खतरा है, जो लोकतंत्र पर खतरा है, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हम लोग जो है एक हुए हैं। किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं, जो एमपी होंगे जो बनेंगे वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा, तो वो तो बात की बात। इंडिया के नेताओं के वार के बाद बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये स्वार्थ के लिए तैयार हुआ गठबंधन है। कि जहां तक एनडीए का सवाल है, हम चंद्रयान है, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, तीसरी बार भी सही तरीके से आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात तो ये लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा, अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी, उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं।